आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी कुणाल सिंह पकड़ा गया है। बता दें कि ये देर रात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां SIT की टीम गठित की गई, जिसके बाद छापेमारी कर मोस्ट वांटेड अपराधी कुणाल सिंह को पकड़ लिया गया है। उसके पास से एक AK-47 और 3 प्री लोडेड गन के साथ 6 वॉकी टॉकी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस जो है इस मामले में लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं बताया जा रहा है कि अपराधी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था, उसके पास से जो सामान बरामद हुआ है इसको देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से 6 वॉकी टॉकी भी मौजूद थे और वॉकी टॉकी के माध्यम से इशारा किया जाता और किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता। तो बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं आपको बता दें कि चकिया SSP के नेतृत्व में पिपरा कोठी थाना पुलिस सहित टीम की बड़ी कार्रवाई किया गया है। मोतिहारी SP को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि पिपरा कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुड़िया निवासी कुख्यात अपराधी जो है कुणाल सिंह अपनी कुटिया स्थित घर पर जो है अवैध स्वचालित जो है गन के साथ वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अज्ञात 4 से 5 जो अपराधी है वो भी इकट्ठे हैं वहाँ, किसी बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और कुख्यात अपराधी मोस्ट वांटेड अपराधी कुणाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मोतिहारी SSP कांतेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। पिपरा कोठी थाना अंतर्गत ग्राम कुड़िया का निवासी कुख्यात अपराधकर्मी कुणाल सिंह अपने कुड़िया स्थित घर पर अवैध स्वचालित अग्नियास्त्रों एवं 4-5 अज्ञात अपराधकर्मियों के साथ इकट्ठा होकर एक बड़े अपराध को घटना के अंजाम दे सकता है। इस सूचना के सत्यापन के उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया था। ASP चकिया RF शरद के नेतृत्व में इनके सहयोग में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज रंजन कुमार थे। टीम के अन्य मेंबर्स इंस्पेक्टर धनंजय कुमार, SHO चकिया, SHO पिपरा कोठी, SHO सुगौली, SHO मुफस्सिल, बंजरिया थाना के सब इंस्पेक्टर धनंजय शर्मा, और इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधकर्मी कुणाल सिंह के घर को चारों ओर से घेराबंदी कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कुणाल सिंह फरार हो रहा था और पूरी टीम ने उसको दौड़ाकर पकड़ा। अन्य 4-5 जो व्यक्ति थे वहाँ से भागने में सफल रहे। अपराधी कुणाल सिंह के पास से एक लोडेड AK-47 राइफल और उसके कमर से 9 mm एक विदेशी पिस्टल मिला है, मेड इन चेक रिपब्लिक जो अभी तक दिख रहा है। जो पिस्टल था वो भी लोडेड था 9 mm। AK-47 के 25 गोली मिला है इनकी मैगजीन से और 9 mm पिस्टल के 2 मैगजीन हैं, कुल 20 गोली बरामद हुए हैं। इनके पास 6 वॉकी टॉकी भी सर्च ऑपरेशन में मिला है। इस टीम ने काफ़ी बहादुरी से इस कार्य को अंजाम दिया है। ये अपराधकर्मी पूर्व में सक्रिय रहा है और अभी तक प्राप्त सूचना अनुसार करीब 17 कांड इसके विरुद्ध दर्ज हैं। हम लोग बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। धन्यवाद। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, अभी इसमें पूछताछ चल रही है। सर अभी कोई कांड को अंजाम भी देने वाला था क्या जी? अभी कुछ घंटे हुए हैं इनकी गिरफ्तारी के, तो अभी कह पाना कठिन है क्योंकि पूछताछ चल रही है कि वो क्या योजना बना रहा है। हाँ, इसके बारे में पूछताछ चल रही है। नहीं, कहाँ से बरामद हुई है? उसके घर से या फिर उनके पास से बरामद हुई है। टीम का लीड किसने किया? टीम का जो लीड कर रहे थे मुख्य जो टीम थी ASP चकिया श्री RS शरद IPS अधिकारी हैं वो कर रहे थे। बैकअप टीम में SDPO अरेरा श्री रंजन कुमार, फिर इंस्पेक्टर चकिया धनंजय कुमार, पिपरा कोठी SHO, SHO सुगौली, SHO मुफस्सिल। पूर्व में इसके बाद 17 कांड है, हम लोग देख रहे हैं कौन से कांड वांछित है। अभी कोई वांछित कांड हमको स्पष्ट नहीं हो पाया है, ऐसा पता चल रहा है किसी पुराने केस में इसका बेल ब्रेक हुआ था, बेल बॉन्ड ब्रेक हुआ था।
आपने मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी और कैसे गिरफ्तारी की गई, कैसे गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसके बाद बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी कुणाल सिंह अब गिरफ्तार हो चुका है। देखिए, जब से आरएस भट्टी आए हैं बिहार में, तब से बिहार का पुलिस महकमा जो है काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है, जिसके बाद मोतिहारी पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार का मोस्ट वांटेड अपराधी कुणाल सिंह मोतिहारी से पकड़ा गया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।